हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर एक ऐसी फाइल देने वाला हूँ जिसके अंदर आप लोग को 10 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे और 9 से भी ज़्यादा आप लोग को निशान GTR देखने को मिल जाएंगी और गेम के अंदर जितनी भी रेयर कार अभी तक आई होंगी वो सारी आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइस, आप लोग को 35 से भी ज़्यादा टोटल कार देखने को मिल जाएंगे और गाइस, आप लोग को एम्प्लॉय भी पहले से खुला हुआ देखने को मिल जाएगा और गाइस, आप लोग की जितने भी स्किल पॉइंट है वो आप लोग के सारे अनलॉक देखने को मिल जाएंगे। गाइस, मैं आप लोग के लिए इतनी अच्छी फाइल लाया हूं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप लोग फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। गाइस, अगर आप लोग को इस फाइल को यूज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पे चले जाना है, वहाँ पर सर्च कर लेना है जट अचीवर, तो आप लोग को जट अचीवर सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके प्ले स्टोर से जट अचीवर डाउनलोड कर लेना और ये आप लोग को ज्यादा नहीं बस 3 से 4 MB के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इजी तरीके से डाउनलोड कर पाओगे। और गाइस, 4 MB ज्यादा भी नहीं होता तो आप लोग जट अचीवर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले जब आप लोग अपना जट अचीवर डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग को फटाफट से जट, और गाइस जो आप लोग को फाइल देने वाला हूँ ये आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग उसे वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और आप लोग को फाइल ज्यादा नहीं 2 से 3 MB के अंदर देखने को मिल जाएगी। बस फटाफट से आप लोग जेट अचीवर खोल लेना। जब गाइस आप लोग अपना जेट अचीवर खोल लोगे तो आप लोग को फटाफट से ऊपर के साइड क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग को डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो आप लोग ने फाइल डाउनलोड करी होगी वो आप लोग को नीचे देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग को नीचे की साइड आ जाना। उसके बाद आप लोग को अपनी फाइल पे एक बार क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट 2 पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट 2 आप लोग को तीसरे नंबर पे दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग को अप्लाई टू ऑल फाइल पे क्लिक करना है और रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग का आधा काम हो जाएगा, आप लोग को ऊपर की साइड आना है। एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल आप लोग को सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग को उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप लोग को कोने में 3 डॉट पे क्लिक करके मल्टी सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक कर लोगे आप लोग को डबल टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग डबल टिक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। आप लोग इतना कर लोगे तो आप लोग को इसके बाद यहाँ पर जो आप लोग को डॉट वाला बॉक्स दिख रहा होगा उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइस, जैसे आप लोग कॉपी के ऊपर क्लिक कर दोगे उसके बाद आप लोग को फटाफट से ऊपर की साइड दोबारा से क्लिक करना है और आप लोग को डिवाइस स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। डिवाइस स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड्रॉइड के ऊपर आप लोग को क्लिक करने के बाद डाटा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को अपने गेम के ऊपर फटाफट से क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को कोने में सबसे नीचे पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करके अप्लाई टू ऑल फाइल पे क्लिक करना है और रिप्लेस पे दोबारा से क्लिक कर देना। तो गाइस आप लोग का सारा काम हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर देखोगे तो आप लोग को कार देखने को मिल जाएंगी।